At an event earlier, the RSS chief had said that the credit for the 2014 Lok Sabha victory goes to the people and not one individual. लेकिन किसने लाया है? लोगों ने लाया अपनी इच्छा से. लोग नहीं चाहते तो वही लोग, वही पार्टियां आगे नहीं आ सकती थी. वो उसका श्रेय किसी किसी को देते हैं, व्यक्ति को देते हैं, दल को देते हैं, संगठनों को देते हैं, लेकिन वास्तविक श्रेय के अधिकारी कौन है? अपने समाज के सब सामान्य लोग. उनके मन में था, उन्होंने किया. वो सब संगठन पहले भी थे, वो सब व्यक्ति भी पहले थे, वो दल भी पहले थे. अब तक नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? अब लोगों के मन में आया, इसलिए हुआ. और इसलिए लोक जो है, प्रजा है, सामान्य आदमी है, हम आप, हम सब लोग हैं. नए समय में पुरानी बात नहीं चलती, लेकिन जमीन हमेशा पुरानी रहती है. और सारे आसमान में उड़ने वालों को भी जमीन के पास वापस आना पड़ता है. मैं समझता हूँ भगवत जी ने पहली बार सच बात कही है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जो एक दूसरे की पीठ थपथपाने का काम भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है, भागवत जी के इस बयान से वो तमाम कलई खुल गई. और ये लोगों को अब इस बात का अंदाज़ा होगा कि जो वाहवाही लूटी जा रही थी या लूटने की कोशिश हो रही थी, उसमें क्या सच्चाई है. हकीकत यही है कि लोग एक विकल्प चाहते थे और उनके सामने कोई विकल्प नहीं था, तो इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को चुना. देश के लोग चेंज चाहते थे, शायद मोहन भागवत जी ने ठीक ही कहा है कि जो क्रेडिट एक दूसरे को दिए जा रहे हैं वो गलत. और इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि शायद वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के गरूर, घमंड और गलतफहमी को दूर करना चाहते थे. आरएसएस और भाजपा पहले तय कर रहे हैं जीत का मतलब क्या है, क्यों है, किसने किया है, और उसके बाद वो अपनी विश्लेषण से आए देश के सामने, तो उसके ऊपर कुछ टिप्पणी हो सकती है. Well, the fault lines between the BJP and the RSS have been exposed after the RSS chief Mohan Bhagwat said that the Lok Sabha elections were not won by a single man. A BJP minister has now challenged that, differing with the RSS chief, saying that Modi, Rajnath and Amit Shah won the polls for BJP. इस वक्त पर ऐसा लग रहा है कि वीएचपी और भाजपा, आरएसएस और भाजपा के बीच में कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं. किसको श्रेय मिलना चाहिए विक्ट्री का, इस पे एक जो है ये डिफरेंस जिसको दिखाई दे रहा है उससे पूछिए, मुझको तो डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा है. क्या आपको लगता है कि अमित शाह मैन ऑफ द मैच है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने बोला? जिनको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, सवाल उनसे पूछने का है. मेरे नज़र में डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है कहीं. अच्छा, पर जो गौ रक्षा के आप यहाँ पे कार्यक्रम में आए थे और इश्यूज हैं, जैसे कि गौ रक्षा हो गया, हिंदुत्व का इशू हो गया, क्या उसको बीजेपी अब थोड़ा बैक बर्नर पे रखना चाहती है, क्योंकि यहाँ पे भी जो काउ प्रोटेक्शन बिल है उसके बारे में कुछ बोला नहीं. यहाँ पर कार्यक्रम था गौ वंश प्रकोष्ठ का, और इसमें निश्चित रूप से हमने कहा है कि इस देश का जो लाइफ लाइन है वो एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर का लाइफ लाइन गौ वंश है, और गोवंश का संवर्धन और संरक्षण जितना होगा, देश उतना शक्तिशाली और संपन्न बनेगा.